फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट इस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 के मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट पेज ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट। टेंडर डॉक्यूमेंट में जो पहला पेज होता है वो क्या होता है? टाइटल पेज, इंडेक्स, जनरल इंस्ट्रक्शन, स्पेशल कंडीशंस। तो इसका आंसर है टाइटल पेज। जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो होता है वो हमारा होता है टाइटल। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इन टेंडर डॉक्यूमेंट शोज द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। टाइटल पेज, इंडेक्स, जनरल इंस्ट्रक्शन, स्पेशल कंडीशंस। ऐसा कौन सा पार्ट है जिससे हमें टेंडर डॉक्यूमेंट में पेज नंबर की, कौन से पेज नंबर पे कौन सी चीज़ अवेलेबल है, ये हमें कहाँ से पता चलने वाली है? तो वो होगी हमारी इंडेक्स। इंडेक्स से हमें टेंडर डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कंटेंट अवेलेबल है वो हमें पता चलने वाला है। टेंडर डॉक्यूमेंट एक्चुअल में एक बुकलेट होता है जिसमें सारी की सारी डिटेल्स होती हैं। टाइटल पेज होता है, इंडेक्स होता है, जनरल इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल होती हैं, स्पेशल कंडीशंस अवेलेबल होती हैं, शेड्यूल ए होता है, शेड्यूल बी होता है, शेड्यूल सी होता है, ड्राइंग्स होते हैं। मैक्सिमम अप्रोक्सीमेटली सभी की सभी डिटेल्स क्या हो जाती है हमारी टेंडर डॉक्यूमेंट में, उस वर्क से रिलेटेड हमें मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इन टेंडर डॉक्यूमेंट गिव्स गाइडलाइंस टू द कॉन्ट्रैक्टर फॉर फिलिंग द टेंडर। टाइटल पेज, इंडेक्स पेज, जनरल गाइडलाइंस एंड स्पेशल कंडीशंस। ऐसी कौन सी जगह है जहां पर कॉन्ट्रैक्टर को गाइडलाइंस मिलती हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर को किस तरह से फिलअप करना है? टेंडर फिलिंग से रिलेटेड जो जनरल गाइडलाइंस हैं उसको कहाँ मिलेगी? तो ऑब्वियसली उसको मिलेगी जनरल इंस्ट्रक्शंस वाले कॉलम में। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इन टेंडर डॉक्यूमेंट्स गिव्स द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर एंड डिपार्टमेंट। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको कहाँ मिलेंगी टेंडर डॉक्यूमेंट में? तो इसका आंसर है स्पेशल कंडीशन। ये एक स्पेशल बात है ना, ड्यूटीज़ किसकी क्या है, इंजीनियर की क्या ड्यूटी है, कॉन्ट्रैक्टर की क्या ड्यूटी है, तो ये सारी चीज़ें स्पेशल चीज़ों में आती हैं, तो ये इसको मिलेगा स्पेशल कंडीशंस में। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज़ यूज्ड फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल। अगर मटेरियल सप्लाई हो रहा है तो उसके लिए कौन सा फॉर्म यूज़ होता है? उसके लिए यूज़ होता है फॉर्म डी। आपको याद रखना है फॉर्म डी इज़ यूज्ड फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज़ यूज्ड फॉर पीस वर्क एंड दिस पीस वर्क इज़ परसेंटेज रेट। पीस वर्क क्या होता है हमने हमारी पहले के वीडियोस में डिस्कस किया है। तो पीस वर्क परसेंटेज रेट के लिए कौन सा फॉर्म यूज़ होता है आपको याद रखना है, A1 फॉर्म। पीस वर्क परसेंटेज रेट के लिए जो फॉर्म रहेगा वो रहेगा A1 फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज़ यूज्ड फॉर पीस वर्क आइटम रेट। यहाँ पर पीस वर्क ही है लेकिन ये कौन सा है, आइटम रेट है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्म रहेगा, यहाँ पे रहेगा हमारा A2 फॉर्म। पीस वर्क परसेंटेज रहेगा तो A1 फॉर्म एंड पीस वर्क आइटम रेट रहेगा तो A2 फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज़ यूज्ड फॉर परसेंटेज रेट टेंडर। अब पीस वर्क नहीं है, ये कौन सा है, परसेंटेज रेट है, तो परसेंटेज रेट के लिए B1 फॉर्म यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज़ यूज्ड फॉर आइटम रेट टेंडर। आइटम रेट के लिए फॉर्म यूज़ होगा वो है B2, ठीक है। इसके पहले था B1 और आइटम रेट के लिए है B2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द लिस्ट ऑफ मटेरियल्स सप्लाइड बाय द डिपार्टमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर को कौन कौन से मटेरियल्स सप्लाई हो रहा है तो उसकी डिटेलिंग कौन से शेड्यूल में मिलेगी हमें, तो उसके लिए होता है हमारा शेड्यूल ए। शेड्यूल ए आपको याद रखना है, शेड्यूल ए गिव्स द डिटेल्स ऑफ मटेरियल सप्लाइड बाय द ओनर टू द कॉन्ट्रैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द बिल ऑफ क्वांटिटीज। ऐसा कौन सा है फॉलोइंग में से जिसमें कॉन्ट्रैक्टर को बिल ऑफ क्वांटिटीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। बिल ऑफ क्वांटिटीज मीन्स उसमें मटेरियल्स कितने हैं, सॉरी आइटम्स कितने हैं, और हर आइटम की डिटेलिंग शॉर्ट में, ब्रीफ में, उसकी क्वांटिटीज, हर एक चीज़ उसको वहाँ से मिलने वाली है, तो ये होता है हमारा शेड्यूल बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन एंड ड्राइंग। शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, स्पेसिफिकेशन। इसका आंसर है शेड्यूल सी। शेड्यूल सी में कॉन्ट्रैक्टर को
पूरी की पूरी डिटेल में ड्राइंग्स मिलती हैं, डिटेल में स्पेसिफिकेशन मिलता है। हम स्पेसिफिकेशन के चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि स्पेसिफिकेशन होता क्या है। अभी मैं आपको बता दूं कि स्पेसिफिकेशन मींस जनरल एंड स्पेशल जो कुछ भी क्राइटेरिया है कि जैसे प्लास्टरिंग करना है तो प्लास्टरिंग किस तरह से करेंगे, उसकी पूरी की पूरी डिटेलिंग दी जाती है। तो हर एक आइटम जो कि हमारे वर्क से रिलेटेड है, जितने भी आइटम हो सकते हैं 50-60 जितने भी हों, हर आइटम का जो कुछ भी डिटेलिंग है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिकेशन। तो शेड्यूल सी में स्पेसिफिकेशन मिलेगा टेंडर डॉक्यूमेंट में, शेड्यूल ए मटेरियल्स, शेड्यूल बी बिल ऑफ क्वांटिटीज़, शेड्यूल सी गिव्स स्पेसिफिकेशन एंड ड्राइंग्स। द पीरियड ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन टेंडर डॉक्यूमेंट इज मेंशनड एज डेट, नंबर ऑफ कैलेंडर मंथ्स, नंबर ऑफ वर्किंग डेज, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। जो पीरियड ऑफ कंप्लीशन है मींस आपको यह काम कितने टाइम में कंप्लीट करना है, वो कोई डेट में भी मेंशन किया जा सकता है, कैलेंडर मंथ्स में भी उसको मेंशन किया जा सकता है कि आपको 3 कैलेंडर मंथ्स में कंप्लीट करना है, 4 कैलेंडर मंथ्स में कंप्लीट करना है, या तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज में भी मेंशन किया जा सकता है, 180 डेज, 195 डेज, 200 डेज, 365 डेज एटसेट्रा। तो कोई भी फॉर्मेट यूज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइम एक्सटेंशन एप्लीकेशन इज गिवन बाय कॉन्ट्रैक्टर टू द डिपार्टमेंट, लेकिन ये कब दिया जाता है, बिफोर एक्सपायरी, आफ्टर एक्सपायरी, एग्जैक्टली व्हेन द टाइम लिमिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड्स, नो नीड फॉर एप्लीकेशन। अभी देखिए कोई काम है, कॉन्ट्रैक्टर को वो वर्क अलॉट हो चुका है, वो टेंडर उसको मिल चुका है, वो उसका जो टाइम लिमिट है तो उसका टाइम लिमिट देना ज़रूरी है। डिपार्टमेंट हर एक काम का एक टाइम लिमिट देता है कि ये काम आपको 6 मंथ्स में करना है, 3 मंथ्स में करना है, 1 मंथ में करना है। टाइम लिमिट क्यों दिया जाता है, क्योंकि अगर टाइम लिमिट नहीं देंगे तो कॉन्ट्रैक्टर तो उसके हिसाब से काम करेगा, कुछ भी बहाना बनाएगा, जिसकी वजह से जो पर्पज़ है वो पर्पज़ सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसलिए टाइम ज़रूरी होता है, टाइम लिमिट और हर काम में कंपलसरीली दी जाती है। लेकिन मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्टर ने काम शुरू कर दिया, अब कुछ अनफोर्सीन एक्सपेंसेस हो सकते, अनफोर्सीन रीज़न हो सकते हैं, उसे नहीं पता कि क्या हो सकता है, या उसको लेबर नहीं मिल रहे थे, कोई भी रीज़न हो सकता है, उन रीज़न की वजह से टाइम उसका कंप्लीट हो गया। अब टाइम लिमिट तो ख़त्म हो गई लेकिन काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि टाइम को एक्सटेंड करवाना पड़ेगा, टाइम एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। तो उसके लिए भी उसको परमिशन लेना ज़रूरी है डिपार्टमेंट से, तो वो एक एप्लीकेशन लिखेगा। लेकिन वो एप्लीकेशन कब लिखेगा, जब टाइम लिमिट उसकी पूरी ख़त्म हो गई उसके बाद लिखेगा, नहीं, एग्जैक्टली उसको क्या करना है कि टाइम लिमिट ख़त्म होने से पहले पहले, नियर अबाउट 15-20 दिन पहले ही उसको क्या करना है, एप्लीकेशन देना है डिपार्टमेंट को, और उसको एक्सेप्टेंस करवा लेना है, उसका अप्रूवल करवा लेना है कि सो दैट वो क्या करे, फ्रीली बाद में काम कर सके। अब वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से टाइम एक्सटेंड हो रहा है, वो सारी चीज़ें एप्लीकेशन में मेंशन करना ज़रूरी होता है, और फिर उसके बेस पर से डिपार्टमेंट डिसीजन लेता है कि टाइम को एक्सटेंड करना है या नहीं करना है। तो इसीलिए उसको क्या करना चाहिए, सफिशेंटली पहले ही एप्लीकेशन करना है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जिसमें हम टेंडर को, कॉन्ट्रैक्टर को क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। टाइम डिले इन कम्प्लीशन ऑफ वर्क, सबलेटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चेंज इन पॉलिसी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अभी देखिए, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर को हमने कुछ तो भी टाइम लिमिट दी थी, अब वो टाइम लिमिट ख़त्म हो गई, उसने एक्सटेंशन मांगी, हमने और एक्सटेंशन दे दी, बार बार एक्सटेंशन दी, तो इसकी वजह से भी हम क्या कर सकते हैं कि टेंडर को, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। या तो फिर कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को सबलेट कर रहा है। सबलेट का मतलब क्या, अभी देखिए मान लीजिए कोई काम हमने किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया, अब उसने क्या किया कि वो काम किसी और को दे दिया। अभी कॉन्ट्रैक्टर वो काम 1,00,000 में करने के लिए तैयार हुआ है, उसको कोई ऐसा बंदा मिल गया कि जो वो 50,000 में उस काम को करके देने के लिए तैयार है, तो वो क्या करेगा, ठीक है भाई तो मुझे 50,000 में करके दे दे, वो बैठे बैठे 50,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट इधर कमा लेगा, मीन्स वो करेगा तो कुछ नहीं। अब मान लीजिए जिस उसने जो सेकंड पर्सन को दिया है,
कॉन्ट्रैक्ट, उसने भी क्या किया, किसी और को ये काम सौंप दिया, किसी और को ये काम सौंप दिया। इस तरह से ये काम एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे पे चौथे, ये तो सबलेट होता चला जाएगा। इसको क्या करेंगे हम, इसको हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं सबलेटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ये बिल्कुल भी पॉसिबल, बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। डिपार्टमेंट क्या चाहता है कि सबलेटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी ना हो। क्यों? इससे तो ये एक ये होगा कि काम की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। दूसरा ये होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किस पे फिक्स करेंगे, काम एक्चुअल में किया कोई और है, हमने दिया किसी और को है, तो अगर काम में कोई डिफेक्ट होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसके ऊपर फिक्स करेंगे। ऐसे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इसीलिए सबलेटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये बिल्कुल भी हम नहीं होने देते। या तो फिर कोई चेंज इन पॉलिसी हो गया, कोई चेंज इन डिज़ाइन हो गया, तो उसकी उस रीज़न में भी, उस कंडीशंस में भी हम कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ मेकिंग एडिशंस एंड अल्टरेशंस। ऑप्शंस आर एस्केलेशन, एक्स्ट्रा आइटम्स, पेनल्टी, टाइम एक्सटेंशन। तो इसका आंसर है एक्स्ट्रा आइटम। कोई एडिशंस करना है या कोई अल्टरेशन करना है, कुछ तो भी चेंजेस करना है डिज़ाइन के अंदर, कुछ तो भी आइटम्स को ऐड करना है, एक्स्ट्रा आइटम ऐड करना है क्वांटिटी के अंदर, तो उस केस में क्या करते हैं हम, एक्स्ट्रा आइटम इस क्लॉज को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म शुड बी कंसिडर्ड इन केस ऑफ बिग प्रोजेक्ट्स एंड द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज मोर देन 12 मंथ्स। अगर कॉन्ट्रैक्ट का जो हमने टाइम लिमिट दिया है वो 12 मंथ्स है, कोई तो भी बड़ा काम है, मान लीजिए कोई डैम कंस्ट्रक्ट करना है, अब डैम का कंस्ट्रक्शन कोई एक दो महीने में थोड़ी हो जाता, वो साल कम से कम एक साल, दो साल, तीन साल, पाँच साल चलता ही है वो। तो अगर ऐसा कोई बड़ा काम है तो उस केस के अंदर हमें कौन सा टर्म हमेशा ये कंसिडर ही करना चाहिए, एस्केलेशन, एक्स्ट्रा आइटम, पेनल्टी एंड टाइम एक्सटेंशन। तो इसका आंसर है एस्केलेशन। एस्केलेशन मतलब क्या कि अगर मान लीजिए आज की डेट में हमने कोई जो बिग प्रोजेक्ट था, जो मान लीजिए चलने वाला है 5 इयर्स के लिए, बड़ा प्रोजेक्ट है, 5 इयर्स चलने वाला है, हमने कोई कॉन्ट्रैक्टर को उसका काम दिया, तो आज की रेट के हिसाब से उसको हम नहीं दे सकते, क्योंकि 5 साल की पीरियड में हो सकता है कि जो लेबर आज पर डे 300 रुपीज़ ले रहे हैं, फाइव ईयर्स के बाद में क्या करें, कुछ तो भी ज़्यादा लेंगे, 400 रुपीज़ लेंगे पर डे। जो मटेरियल आज मिल रहा है, सीमेंट 300 में मिल रहा है, हो सकता है वो 500 का हो जाए, 400 का हो जाए, या कम भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं एस्केलेशन, इसको हम कहते हैं चेंजेस होना, इसको प्राइस एस्केलेशन भी बोलते हैं, शॉर्टकट में PE कहते हैं, प्राइस एस्केलेशन। ठीक है, तो अगर कोई बिग प्रोजेक्ट है जिसका ड्यूरेशन 12 मंथ से ज़्यादा है, तो प्राइस एस्केलेशन और शॉर्टकट में एस्केलेशन, इसको कंसिडर करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राइस एस्केलेशन इज कंसिडर्ड फॉर लेबर, मटेरियल, बोथ 1 एंड 2 एंड नन ऑफ द अबोव। तो प्राइस एस्केलेशन ऑब्वियसली लेबर के लिए एंड मटेरियल के लिए, इन दोनों के लिए कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लेबर में और मटेरियल में, इन दोनों में, इन दोनों की प्राइस में क्या होता है, चेंजेस होते हैं। एस्केलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइस वेरिएशन, द स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग। ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट क्या है, राइट है, क्योंकि एस्केलेशन ये किस लिए हम करते हैं, जो प्राइस में जो वेरिएशन हो रहा है उसी के लिए हम एस्केलेशन ये टर्म इंट्रोड्यूस किए हैं, इसीलिए एस्केलेशन को प्राइस वेरिएशन भी बोला जाता है। आर्बिट्रेटर इज अ पर्सन हु जजेस द क्रिमिनल केसेस, सेटल्स द डिस्प्यूट बिटवीन ओनर एंड द कॉन्ट्रैक्टर, मेंबर ऑफ ओनर, मेंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। आर्बिट्रेटर होता क्या है एक्चुअल में, देखो अभी एक ओनर है या डिपार्टमेंट है और एक कॉन्ट्रैक्टर है, डिपार्टमेंट ने काम दिया है, कॉन्ट्रैक्टर ने उस काम को लिया है और वो काम कर रहा है, जिसके बदले में उसको पेमेंट मिलेगी डिपार्टमेंट से। अब कुछ केसेस में, कुछ कंडीशंस में, कुछ सिचुएशन में ऐसा हो जाता है कि डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्टर इनके बीच में कुछ तो भी झगड़ा हो जाता है, कोई बात के ऊपर दोनों फाइनलाइज नहीं हो सकते, ओनर की बात कॉन्ट्रैक्टर नहीं मानता है, कॉन्ट्रैक्टर की बात ओनर नहीं मानता है, झगड़ा हो जाता है, तो उस केस में एक थर्ड पर्सन होता है जिसको हम कहते हैं आर्बिट्रेटर, जो कि जज नहीं होता,
रियल में जज नहीं होता, लेकिन वो जज की ही तरह होता है। मेरे इस सेंटेंस को याद रखो, जज नहीं होता रियल में, वो जज की ही तरह होता है। उसका एजुकेशन, उसका क्वालिफिकेशन, उसका नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस वो सब कुछ अच्छा होता है। सिचुएशंस को समझता है और जो कुछ भी उसके पास में वाद विवाद आने वाला है, डिस्प्यूट जो कुछ भी आने वाला है ओनर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में का, उसको सॉल्व करने के लिए उसके पास में कैपेसिटी है, तो उस पर्सन को हम कहते हैं आर्बिट्रेटर। तो आर्बिट्रेटर ये एक ऐसा बंदा है जो कुछ भी डिस्प्यूट होता है ओनर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, उसको क्या करता है, वो सेटल करवाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर्बिट्रेटर शुड बी हैविंग लॉन्ग एक्सपीरियंस, इम्पार्शियल, एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज एंड ऑल ऑफ द अबो। ऑब्वियसली इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबो, क्योंकि ऐसा बंदा जो कि डिस्प्यूट को रिजोल्यूशन करके दे रहा है, तो दोनों पार्टी ओनर और कॉन्ट्रैक्टर दोनों को उस पर भरोसा होना चाहिए, दोनों उसको मानना चाहिए, तभी तो वो काम कर पाएगा इफेक्टिवली। और इम्पार्शियल होना चाहिए आर्बिट्रेटर, ऐसा नहीं कि वो ओनर की साइड लेके बात करे या ओनर की साइड में ही वो फैसला करे या कॉन्ट्रैक्टर की साइड में वो साइड से हो, उसका रिलेशन वो करे, पुराने कुछ तो भी उनके ताल्लुकात हो, वो सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इम्पार्शियल होना चाहिए आर्बिट्रेटर, फैक्ट्स के ऊपर उसने अपना डिसीजन देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिक्विडेटेड डैमेज इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, एक्चुअल डैमेज ऑफ स्ट्रक्चर, एक्चुअल डैमेज टू द लिक्विड मटेरियल, कंपनसेशन गिवन बाय कॉन्ट्रैक्टर, कंपनसेशन गिवन बाय ओनर। देखिए लिक्विडेटेड डैमेज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मैं तो कहूँगा मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। लिक्विडेटेड डैमेज ये जो टर्म है ये एक्चुअल डैमेज से रिलेटेड नहीं है। दिस टर्म इज़ नॉट एन एक्चुअल डैमेज ऑफ स्ट्रक्चर। देखने में इस टर्म में हमें डैमेज नज़र आ रहा है, लेकिन दिस इज़ नॉट ए डैमेज, एक्चुअल डैमेज ऑफ द स्ट्रक्चर। लिक्विडेटेड डैमेज इज़ एक्चुअली कंपनसेशन गिवन बाय द कॉन्ट्रैक्टर। कुछ तो भी पेनल्टी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगी, कुछ तो भी रीज़न था, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि सिक्योरिटी डिपॉजिट में से हम क्या करते हैं, पैसे कम कर लेते हैं, उसका अगर कुछ तो भी डिफेक्ट नज़र आ रहा है हमें काम के अंदर, या तो फिर कुछ हम पेनल्टी उसके ऊपर इम्पोज कर रहे हैं, उसने क्या किया टाइम लिमिट बहुत एक्सटेंड कर दिया, काम तो बहुत अच्छा था लेकिन टाइम लिमिट उसने बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया, टाइम ज़्यादा लगा दिया, तो कुछ तो भी पेनल्टी, जो कुछ भी कॉम्पनसेशन कॉन्ट्रैक्टर फिलअप करेगा डिपार्टमेंट को, उसको हम कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनलिक्विडेटेड डैमेज इज एक्चुअल डैमेज ऑफ स्ट्रक्चर, एक्चुअल डैमेज टू लिक्विड मटेरियल, कंपनसेशन गिवन बाय कॉन्ट्रैक्टर, कंपनसेशन गिवन बाय ओनर। तो अनलिक्विडेटेड डैमेज जो होता है, दिस इज एन एक्चुअल डैमेज ऑफ स्ट्रक्चर। डैमेज जो कुछ भी एक्चुअली होगा स्ट्रक्चर में, उसको हम कहते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। और जो लिक्विडेटेड डैमेज होता है वो होता है कंपनसेशन गिवन बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू द ओनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज द एक्चुअल डैमेज इन स्ट्रक्चर इंक्रीजेस, द अनलिक्विडेटेड डैमेज ऑल्सो इंक्रीजेस। स्टेटमेंट राइट और रॉन्ग? ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज राइट। जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर में डैमेज होगा उतना ही ज़्यादा अनलिक्विडेटेड डैमेज होगा, क्योंकि अनलिक्विडेटेड डैमेज का मतलब ही यही है द एक्चुअल डैमेज ऑफ द स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट कोटेड बाय ऑल द वैलिड टेंडर्स आर एंटर्ड इन डैश डैश स्टेटमेंट, कंपेरेटिव स्टेटमेंट, अकाउंट स्टेटमेंट, बिलिंग स्टेटमेंट, कॉस्टिंग स्टेटमेंट। तो इसका आंसर है कंपेरेटिव स्टेटमेंट। टेंडर सारे के सारे कॉन्ट्रैक्टर्स फिलअप कर देंगे, हर एक अपना अपना रेट कोट कर देगा, और उसके बाद में डिपार्टमेंट क्या करता है कि सभी टेंडर सभी कॉन्ट्रैक्टर लोगों के ने जो रेट फिलअप किए हैं उसको क्या करेगा, एक टेबल में उसको हम फॉर्म करते हैं, उस टेबल को हम कहते हैं कंपेरेटिव स्टेटमेंट। कंपेयर करते हैं मींस कौन से कॉन्ट्रैक्टर ने कितना रेट भरा है, किसने ज़्यादा भरा है, कितने कम भरा है, और फिर उसके हिसाब से हमें समझ में आता है कि हाईएस्ट कितना है और लोवेस्ट कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जनरल द टेंडर इज अवार्डेड टू हाईएस्ट रेट, लोवेस्ट रेट, एस्टिमेटेड रेट, लोवेस्ट सेकेंड।
जो सबसे ज़्यादा रेट कोट कर रहा है हम टेंडर उसको देते हैं, या जो सबसे कम रेट कोट कर रहा है जनरली हम उसको देते हैं, या जो सबसे कम से सेकंड नंबर पे है उसको देते हैं? तो जनरली जो सबसे कम रेट कोट करता है हम उसी को टेंडर अलॉट करते हैं। कुछ सर्टन सिचुएशन होती है जो कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर रखी है, उनही सर्टन सिचुएशन में जो सबसे लोवेस्ट है उसको नहीं देते हुए जो लोवेस्ट सेकंड होता है उसको देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सेप्टेंस लेटर रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन बाय डिपार्टमेंट, कॉन्ट्रैक्टर, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी। ओनर या डिपार्टमेंट क्या करता है, टेंडर को फ्लैश करता है, कॉन्ट्रैक्टर्स उसको फिलअप करते हैं। अब कोई एक कॉन्ट्रैक्टर को वो टेंडर अलॉट हो गया है तो एक्सेप्टेंस लेटर क्या करेगा, ये डिपार्टमेंट लिखेगा। किसको लिखेगा, जिस कॉन्ट्रैक्टर को वो कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसको लिखेगा एक्सेप्टेंस लेटर कि दिस योर टेंडर नंबर दिस हैज़ बीन एक्सेप्टेड, और फिर उसके बेस के ऊपर से वो कॉन्ट्रैक्टर काम करना शुरू करेगा वर्क ऑर्डर मिलने के बाद। वर्क ऑर्डर होता क्या है कि डिपार्टमेंट एक ऑर्डर इशू करता है जिसमें ये लिखा होता है कि ये काम तुमको दिया जा चुका है और तुम ये काम अब शुरू कर सकते हो, उसको हम कहते हैं वर्क ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द टाइप ऑफ टेंडर द लोवेस्ट टेंडर मे प्रूव टू बी कॉस्टली। देखिए अभी तो हमने डिस्कस किया ना कि टेंडर हम देते किसको हैं, जो सबसे लोवेस्ट हो, मीन्स वो क्या रहेगा हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा, सबसे कम रेट रहेगा, सबसे इकोनॉमिकल रहेगा। लेकिन ऐसा कौन सा टेंडर है कि जिसके अंदर कि जो टेंडर सबसे लोवेस्ट है उसके बावजूद भी वो कॉस्टली हो सकता है? तो ऐसा टेंडर होता है अनबैलेंस्ड टेंडर। अनबैलेंस्ड टेंडर देखने में हमें ऐसा लगता है कि सबसे लोवेस्ट है लेकिन वो कुछ तो भी मैनिपुलेशंस किए हुए होता है जिसकी वजह से वो क्या हो सकता है, हमें कॉस्टली भी हो सकता है, उसको हम कहते हैं अनबैलेंस्ड टेंडर। नाउ अडेज द टेंडर इज़ फिल्ड ऑनलाइन यूजिंग ई टेंडरिंग सिस्टम, द स्टेटमेंट इज़ राइट और रॉन्ग। तो ऑब्वियसली दिस सेंटेंस इज़ राइट। अभी पूरी की पूरी टेंडरिंग सिस्टम ऑनलाइन हो चुकी हुई है, हर एक कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर भरने के लिए ऑनलाइन ही टेंडर भरना पड़ता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।